लेकिन गीता के प्रथम अध्याय का कोई श्लोक और उसका अर्थ जो आज हमें समझना बहुत जरूरी है। देखिए, जब ये जो गीता का ज्ञान है ये अर्जुन को जो कृष्ण दे रहे होते हैं इसकी कथा संजय धृतराष्ट्र को सुना रहे होते हैं। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः माम काः पांडवाश्चैव किं कुर्वत संजय, कि धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित हुए युद्ध की इच्छा वाले मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया, धृतराष्ट्र प्रश्न करते हैं। तो उत्तर देते हैं कि व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर द्रोणाचार्य के पास जाकर दुर्योधन यह कहता है, अत्रिशूरा महेश्वासा भीम अर्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथ दृष्टकेतुश्चेकितानः काशिराजश्च वीर्यवान पुरुजत कुंती भोजनश्च शैव्यश्च नरपुंगवः युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा। यानी इस सेना में भीम और अर्जुन के समान शूरवीर सात्यकी विराट और महारथी राजा द्रुपद दृष्टकेतु तथा चेकितान और राजा काशीराज पुरुजित और कुंतीभोज तथा बलवान उत्तमौजा युधामन्यु अभिमन्यु और द्रौपदी के पांचों पुत्र ये सभी महारथी हैं। बहुत खूब, बहुत खूब। अब मैं ऑडियंस के पास भी सवाल के लिए आऊंगी, उससे पहले जल्द अगर संभव हो तो गोविंद महापात्रा जी राधा कृष्ण का कोई भजन सुना दीजिए। राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर जीवन मरण गति आर नहीं मोर कालिंदी कृष्णा प्राण मोरा जुगल किशोर। बहुत खूब, बहुत खूब। अब क्योंकि आज बच्चों के साथ हम यहाँ पर संवाद कर रहे हैं तो एक सवाल एक करना चाहूंगी भागवत जी आपसे मैं, कि बच्चों को ही बचपन से गीता पढ़नी क्यों चाहिए? हर ज्ञान की उम्र बचपन ही है। जो ज्ञान हम बचपन में लेते हैं वो ज्ञान हमारे साथ पूरा जीवन रहता है, पूरा जीवन रहता है। जैसे बच्चे भौतिक ज्ञान लेने के लिए बचपन से स्कूल जाते हैं, वैसे ही भगवत गीता का ज्ञान भी हमें बचपन से लेना चाहिए। जान मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। हाँ, प्लीज। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे एक पौधा होता है और जब वो छोटा होता है तो हम उसे कहीं भी मोड़ सकते हैं, और जब वो पौधा बड़ा हो जाता है तो हम उसे कहीं भी मोड़ नहीं सकते ना, नहीं मोड़ सकते। भगवत गीता भी इसी तरह है कि जब हम भगवत गीता को बचपन से पढ़ेंगे तो भगवत गीता हमारे जीवन को सही दिशा देगी, और भगवत गीता हमारी और भगवत गीता हमारे जीवन का सॉल्यूशन है। भगवत गीता हमें सिखाती है कि इस जीवन को हमें कैसे जीना चाहिए। अगर हम कहीं बाहर जाते हैं तो वहां से एक इलेक्ट्रॉनिक टॉय लेके आते हैं, उसके साथ एक मैनुअल मिलती है। उस मैनुअल में लिखा है कि इस
भाई को कैसे ऑपरेट करना है। वैसे भगवत गीता हमारी जीवन की मैनुअल है, क्योंकि भगवत गीता हमें सिखाती है कि ये जीवन हमें कैसे जीना चाहिए। इसलिए भगवत गीता हमारे जीवन की मैनुअल हुई ना। बहुत बड़ी बात इन्होंने कह दी। जैसे आप अगर जाते हैं कोई भी गैजेट खरीदते हैं तो उसके साथ आपको मैनुअल मिलता है, तो भगवत गीता हमारे जीवन का सलूशन कैसे है,